What's up guys? आज हम देखने वाले जो पाकिस्तान में जो आबिद अली भाई है वो बहुत तगड़ा फैन है तो मोदी जी का हाँ। और इंडिया में कुछ भी अच्छा होता है तो भाई हमेशा वो बहुत अच्छे से बात करता है हाँ। तो आज भाई ने मिठाई भी बांटी है, भाई ने मिठाई भी बांटी है और पाकिस्तानी लोगों ने क्या कुछ कहा है मिठाई जब उन्होंने दी उनको, तो क्या कोई कलाकार भी निकलेगा कि जो ऐसा कहता है हमारे तो टांग ज्यादा ऊपर उठती है इस तरीके से। पर मजा आया तो वीडियो की काफी इंटरेस्टिंग, शोएब भाई के चैनल से है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, कहां से देख रहे हो बता रहे जरूर, जय हिंद जय भारत लिख देना 1 2 3। कल वो मैं नहीं आ सका क्योंकि वो ट्रेजरी का आपको बताया था कि मैं लाहौर से बाहर था अपनी फैमिली के साथ, लेकिन आज तो खुशी को सेलिब्रेट करेंगे ना यार, तो सबसे पहले मिठाई खाएं, मुंह मीठा करें कि हमारा हमसाया जो है ना, हमारा हमसाया चांद पे पहुंच गया, तो ये सिर्फ हमारे लिए खुशी नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है, तो सबसे पहले हम मुंह मीठा करें फिर अगली बात करेंगे, तो मीठा करें। मुझे ये बताएं आपको, एक मिनट, मुंह मीठा करें, आपको पता है ये मिठाई किस चीज की बांटी जा रही है? चांद पे पहुंच गए, इधर पाकिस्तान में हर एक को पता है, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं आपको खुशी हुई है कि हमारे हमसाए चांद पे पहुंच गए हैं? हमें बहुत खुशी हुई है, मिठाई खा रही हूँ, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। मीठा करें हमारे हमसाए चांद पे, किस वजह से मैं क्यों करूं? अच्छा नहीं खाएंगे आप? मैं क्यों खाऊं भाई, ये कौन सी खुशी वाली बात है? आपको लगता है कि ये सिर्फ इंडिया का फायदा है जो वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं? देखिए हमें क्या मिल रहा है आप? अच्छा ये बताएं इन्हें क्या फायदा है, ये कम एक अच्छा सवाल है उनका। सर मैं आपको एक कर्ज बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक मोबाइल की टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं वो हमने नहीं बनाया, पाकिस्तान ने मोबाइल नहीं बनाया, लेकिन जिसने बनाया है वो टेक्नोलॉजी लेके आया, पूरी दुनिया मोबाइल यूज करती है। आपका दोस्त कोई इंग्लैंड में बैठा हो तो इधर बैठ के आप बात करते हो, हेलो भाई कैसी तबीयत है आपकी, तो जब अगर आपका हमसाया टेक्नोलॉजी लेके आता है चांद पे जाता है तो पूरी दुनिया का फायदा। जब भाईजान एटम बम बनाया गया था ना, इंडिया ने एटम बम बनाया था, तो हमारे भुट्टो साहब जो वजीर आजम थे उन्होंने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम जो है ना एटम बम बनाएंगे इंडिया के मुकाबले में। आज इंडिया चांद पे चला गया, अब क्यों नहीं ऐलान कर रहे हो? अब भी ऐलान करो कि भाई हम घास खा लेंगे लेकिन टेक्नोलॉजी बनाएंगे और हम भी चांद पे जाएंगे। और नेबर कामयाब हुआ है, हमें मिठाई बांटनी चाहिए, ये तो मैं तो ये समझता हूं। हमारा नेबर, देखिए जी नेबर ने तो हमारी जनरेशन का खाना खराब कर दिया, नेबर ने इतनी वाहियाती फैला दी है। कैसे? ये यूट्यूब पे गंदी मूवीज जो भी है, आप जो वो नरगिस के मुजरे चलते हैं पाकिस्तान में पे गुजरा वे वो भाई आती नहीं है। यूट्यूब सर सुनिएगा, यूट्यूब पे आप इस्लामिक देखना चाहो इस्लामिक मिलेगा, आप उस पे बेहयाई देखना चाहो तो बेहयाई मिलेगी, आपका माइंड है वो देखने का, गलत चीज तो आपको देखने को मिलती है। अभी देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा वजीर आजम हमारे मुल्क में, आज मैं ये बात करता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर जैसा वजीर आजम हमारे मुल्क में नहीं आया। यकीन माने टैलेंटेड इंसान इस मुल्क को चाहिए ही नहीं, या तो उसे फांसी हो जाती है या उसे गोली मार दी जाती है या वो गद्दार है या उसे गद्दार करके मुल्क से बाहर निकाल दिया जाता है। ओ भैया जबरदस्त वीडियो। तो दोस्तों मैं हूं सोहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। मेरे साथ मौजूद है आबिद अली भाई। आप लोगों के बहुत से मैसेजेस आ रहे थे, मेल्स आ रही थी कि भाई चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद आबिद भाई का रिएक्शन हमने देखना है, वो रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा। आबिद भाई आज मौजूद है लेकिन खाली हाथ नहीं, साथ मिठाई का डब्बा भी मौजूद है, इनसे आज लेंगे रिएक्शन के भाई कामयाब हुआ है चंद्रयान 3, इंडिया का मिशन कामयाब हुआ है, आपको खुशी है गमी है क्या है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम शुएब भाई, रिएक्शन भी चलते हैं बातें भी चलती हैं, ये तो रोजाना ही होती है, आज खुशी का माहौल है खुशी का मौका है। हाँ हम कल वो मैं नहीं आ सका क्योंकि वो ट्रेजरी का आपको बताया था कि मैं लाहौर से बाहर था अपनी फैमिली के साथ, लेकिन आज तो खुशी को सेलिब्रेट करेंगे ना यार, तो सबसे पहले मिठाई खाएं, मुंह मीठा करें कि हमारा हमसाया जो है ना, हमारा हमसाया चांद पे पहुंच गया, तो ये सिर्फ हमारे लिए खुशी नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है, तो सबसे पहले हम मुंह मीठा करें फिर अगली बात करेंगे। मुझे ये बताएं आपको, एक मिनट, आपको पता है ये मिठाई किस चीज की बांटी जा रही है? चांद पे पहुंच गए, इधर पाकिस्तान में हर एक को पता है, ये देखिए आप, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं आपको खुशी हुई है कि हमारे हमसाए चांद पे पहुंच गए हैं? हमें बहुत खुशी हुई है, मिठाई खा रही हूँ, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। जबरदस्त जी बहुत शुक्रिया, इधर तो हर एक को पता है, ये यानी बताने की जरूरत ही नहीं है, हर एक को पता है पाकिस्तान
में ये वीडियो ये बात मतलब ये कि जो नेबर हमारा कंट्री कामयाब हुआ है, बच्चे बच्चे को पता है कि भाई चंद्रयान जो है वो कामयाब हुआ है, मिशन मून कामयाब हुआ है, क्या कहेंगे आप इस भाई? शुएब भाई सबसे पहले तो मैं पूरे इंडिया को जो है मुबारकबाद देना चाहूंगा और खास तौर पे ये भाई को मिठाई दी है, मिठाई दी है, दें दें जिनको ले मिठाई भाई, आप भी लें, आप भी लें, आप भी लें, आप भी लें, ये बच्चों को भी दें, आप भी लें, आप भी लें, इससे हमारा हमसाया चांद पे पहुंचा। अच्छा बात सुने, आप भी लें जी, आप भी लें, चले जी चले। अच्छा क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज्यादा जो है वो खुशी ये है कि इंडिया चांद पे पहुंचा और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को सबसे ज्यादा मैं अप्रिशिएट करूंगा, उनकी तारीफ करूंगा। और सबसे ज्यादा तकलीफ इस चीज की होती है शुएब भाई, नहीं देखें आप बेशक मोदी साहब के फैन है, लेकिन ये आज की जो उनसे अप्रिशिएशन है या तारीफ है ये तो इसरो की बनती है, इंजीनियर की बनती है। सर आप तफसली से सुनेंगे तो मैं आपको कुछ बता पाऊंगा ना। तो मोदी साहब की तारीफ क्यों की है उसके बारे में भी बताऊंगा। अच्छा दूसरा एक और चीज बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा दुख होता है हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कि पूरी दुनिया ने वो लाइव दिखाया, पूरी दुनिया में वो तकरीबन पूरी दुनिया में लाइव चला है, हमारे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या हमारे बच्चों को भी नहीं पता कि हमारा हमसाया चांद पे पहुंच चुका हुआ है? तो इस चीज की बड़ी तकलीफ होती है। सोशल मीडिया की वजह से देखे ना, अभी हम ये जो साथ खड़े थे, हमारे साथ ट्रांसजेंडर थे, कम्युनिटी थी, उनसे पूछा, उन्होंने भी बताया कि भाई चांद पे गया। 100% लोगों को नहीं पता, काफी 100% लोगों को मतलब हम कह नहीं सकते कि पता है, उसमें कईयों को पता है कईयों को नहीं पता। लेकिन अब कुछ लोग जो पाकिस्तान से देख रहे हैं वो ये सवाल उठाएंगे कि भाई इंडिया की कामयाबी है, आप इधर क्यों मिठाई बांट रहे हो? एक सवाल उनका बनता है, मैं तो इस चीज को समझता हूँ, लेकिन आप इसके ऊपर क्या जवाब देंगे? शुएब भाई कल ना आप लाइव चल रहे थे, उस टाइम इंडिया का लाइव जो है वो मून लैंडिंग हो रही, लैंडिंग वो दिखा रहे थे, तो उस टाइम मैं मोदी साहब का बयान सुन रहा था, उनकी सारी टॉकिंग सुन रहा था, तो उन्होंने एक लफ्ज बोला था जो दिल के अंदर जो है ना असर करता है वो लफ्ज। उन्होंने कहा था कि ये जो लैंडिंग है ये जीत इंडिया की नहीं है, ये पूरी दुनिया की इंसानियत की जीत है। देखिए टेक्नोलॉजी जब आती है उसका, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल गूगल है, गूगल की सैटेलाइट से उसका सारा सिलसिला है, अब गूगल मैप आप भी यूज कर रहे हो, मैं भी यूज कर रहा हूँ, फायदा सब लेते हैं उसका। इंडियन टेक्नोलॉजी आएगी, स्पेस की टेक्नोलॉजी आएगी, फायदा सबको मिलेगा। उससे क्या होता है कि जो बनाता है वो पैसा कमाता है, ये चीज होती है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे चंद्रयान ने फोटोज भेजी मून की या मून से सरफेस की, पूरी दुनिया ने देखी, उसके ऊपर स्टडी पूरी दुनिया करेगी, पूरी दुनिया करती है। तो इसका देखिए अप्रिशिएट करना बड़ा जरूरी है पूरे भारत के लिए और मोदी जी के लिए। मैं क्यों कर रहा था बाद में आपको बताता, मोदी जी आए तो इंडिया जमीन से आसमान पे चांद पे भी पहुंच गया, ऐसे ही है। अब उनकी इंडिया की पूरी दुनिया में इस टाइम बात है, टेक्नोलॉजी में हर चीज में इंडिया सबसे आगे इस टाइम पहुंच चुका हुआ है। अभी कल देखिए जब चंद्रयान जो है अभी लैंडिंग से थोड़ा सा करीब था तो इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज जो है जो वो तकरीबन 2.5 बिलियन डॉलर से भी क्रॉस कर चुकी हुई थी और अभी उनका हुआ था उसमें बिल्कुल ऐसे ही है, हमने खबर कवर भी की थी। और उसके बाद कितना इजाफा हुआ होगा, यानी वो पैसों के, वही बताना चाह रहा हूँ कि अभी वो पूरा उनका मिशन वो उतरा नहीं था चांद के ऊपर, अभी थोड़ा सा दूर था। लोग मजीद आए हैं, मिठाई और दें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मिठाई सर, और गाड़ी में जो डब्बे पड़े हैं साथ गाइड करें कि भाई किस, ये हमारा हमसाया चांद पे पहुंच गया, ये उस खुशी में जो है ना हम सबको मुंह मीठा करवा रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं ये देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए मिठाई? ये नेबर कामयाब हुआ, ये इधर मिठाई बांट रहे हैं, मतलब उन्हें देनी चाहिए? जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है, सोच काफी हद तक बदल रही है। आबिद भाई मुझे तो खुशी हो रही है ये चीज जान के, नहीं तो इधर ये हमने वो भी टाइम देखा है, ऐसे साल पहले की बात करें कि यहाँ पे सिर्फ नाम लेना ही इस तरीके से समझा जाता था कि जैसे ये गद्दार है। आबिद भाई ने भी वो टाइम देखा, लेकिन आज लोगों में अवेयरनेस, खास तौर पे इस मार्केट में जो अवेयरनेस आई है ये एलमाई की वजह से आई है। मैं अप्रिशिएट करता हूं सर आपको, आप बड़ी बात है ये। जब मैं शुरू में इंडिया का नाम लेते थे ना हम लोग, तो हम लोग कोशिश करते थे कि थोड़े साइड पे होके मोदी जी की बात की जाए। आज देखें कैसा टाइम है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आई है। देखें पढ़ा लिखा तबका जो है वो इस चीज को समझने लग गया हुआ है। अब उसकी वजह से इन लोगों में अवेयरनेस आई कि वाकई इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया चांद पे पहुंच गया है। देखिए उन्हें टेक्नोलॉजी मिलेगी, उनके बच्चे तरक्की, आप क्यों नहीं करते तरक्की? हम लोग अपने मीडिया पे दिखाते तो शायद हमारे बच्चों के अंदर ये शौर पैदा होता, ये शौक पैदा होता कि हम लोग भी साइंटिस्ट बने, हम लोग भी चांद पे जाएं। जैसे बच्चे से पूछो तो बच्चा कहता है मैंने पायलट बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है। तो मतलब ये कि हो सकता है बच्चे ये भी कहें कि हमने साइंस बनना है, हमने ऊपर आसमानों पे जाना है, हमने चांद पे जाना है, हमने तरक्की करनी है, साइंसदान बनना है। लेकिन होता क्या है कि हमारे अंदर शऊर ही नहीं दिया जा रहा। अब हमारे अंदर शऊर ये है कि हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया जो है, हमारा मेनस्ट्रीम मीडिया ये चीज नहीं दिखाएगा। खिलाएं मिठाई खिलाएं सर, हमारा हमसाया जो है, मैं इनसे पूछूंगा, आप पहले ये मिठाई खिलाएं, ये खाएं। अच्छा पहले ये बताएं किस खुशी में मिठाई? अच्छा ये पॉइंट है, ये मुझे बताएं, ये बंदा इधर इंडिया कामयाब हुआ है तो ये इधर मिठाई बांट रहा है,
इंडिया मून पे पहुंच गया कामयाबी से, ये मिठाई बनती या बांटनी? नहीं। अच्छा, ले आबिद भाई। अच्छा, क्यों नहीं बनती भाई जन, ये भी बताइए। हम खुद बहुत जाहिल हैं। क्या वजह है उसकी? आप ये देख रहे हैं, ये ढापे देख रहे हैं, ठीक हो गया। ऊपर पेंसिल फ्लैट की फैमिलीज रहती हैं। अच्छा, 65, ठीक है। इन लोगों को इतना शौर नहीं है कि यहाँ पे हम पार्किंग लगा सकें। हाँ, वो तो चीजें ठीक है, चलती हैं, ये बड़ा हाँ ऐसे ही है। लॉजिकली हर बंदा एक दूसरे की गर्दन के ऊपर ना पांव रख के ना ऊपर जाने की कोशिश जाने की हर बंदा की हर बंदे की कोशिश है कि मैं आगे चल जाऊँ। यानी पाकिस्तान में लेग पुलिंग का कंसेप्ट है, लेकिन इसके अंदर ये है कि नेबर कामयाब हुआ है, हमें मिठाई बांटनी चाहिए, ये तो मैं तो ये समझ। नेबर देखे जी, नेबर ने तो हमारी जनरेशन का खाना खराब कर दिया। मैं आपसे सबसे बड़ी बात करूंगा, ये बच्चा ये जितने भी बच्चे हैं इधर जो काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पे जितने बच्चे काम कर रहे हैं, नेबर ने इतनी वाहियाती फैला दी है। कैसे? ये यूट्यूब पे गंदी मूवीज जो भी है, आप जो वो नरगिस के मुजरे चलते हैं पाकिस्तान में पे गुजरा वे वो भाई आती नहीं है। यूट्यूब सर सुनिएगा, यूट्यूब पे आप इस्लामिक देखना चाहो इस्लामिक मिलेगा, आप उस पे बेहयाई देखना चाहो तो बेहयाई मिलेगी। आपका माइंड है वो देखने का, गलत चीज तो आपको देखने को मिलती है। बहस नहीं करेंगे हम यहाँ पे, खुशी के मौके पे मिठाई बांटेंगे, इन्हें मिठाई जरूर सर मुंह मीठा करें। हम साया पहुँच गए, हम सायों की बड़ी बात और हमें भी तरक्की करनी चाहिए। वो लेग पुलिंग वाली बात नहीं कर रहा, जबरदस्त खुशी की बात है, ठीक है। लेकिन देखें, हम अपने वतन को मोटिवेशन करने से हमें मिठाई बांटनी चाहिए। तो सर ये मोटिवेशन, ये जितने भी ढापे वाले बैठे इधर, किसी एक के पास भी बास्केट है वो उनके, आपको ढाबे वालों की चांद की बातें कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बास्केट की बातें कर रहे हैं, आप ढाबों की बातें कर रहे हैं। हम लोग चांद पे क्यों नहीं पहुंचे? इंडिया से 8 साल पहले हम लोगों ने टेक्नोलॉजी बनानी शुरू की, हमने स्पेस सेंटर इंडिया से 8 साल पहले बनाया। हम इन ढाबों की वजह से तो आगे नहीं जा सके, इस सोच से बाहर निकलेंगे तो आगे जाएंगे ना हम लोग। कोई मसला नहीं, आप भी ठीक है अपनी जगह पे, देखें उनका भी एक अपना पॉइंट है कि भाई देखें हमें अपने अपनी जिम्मेदारियों को मानने की जरूरत है। आबिद भाई खुशी के मौके पे खुशियां बांटें। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, जो सोच है ज्यादातर लोगों की सोच हमने देखनी है। मुझे ना आज भी वही दिन दोबारा नजर आ रहा है जब मैं शुरू में इंडिया के लिए बात करता था तो लोग मुझे गद्दार कहते थे, मुझे लोग पता नहीं एजेंट कहते थे। मुझे देखिए, आप तो पाकिस्तान की सर वही बात करता हूँ ना कि इंडिया के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ कि वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है, वो आईटी में आगे जा रहा है, हमें भी आगे जाना चाहिए। क्या मैं गलत बात कर रहा हूँ? इंडिया अगर चांद पे चला गया है, हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए चांद पे जाने के लिए? हमारा हमसाया इंडिया जिसमें हम लोग अलग हुए, हमें उन्हें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए? ये कोई बुरी बात कर दी है हम लोगों ने? अगर हमारा मीडिया नहीं दिखाता तो इसका मकसद ये कि हम भी सच ना बोलें? यार क्या बात कर रहे हो, सोशल मीडिया पे तो ये चीजें वायरल है। हमसायों को अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर हमने कोई अचीवमेंट की होती तो वो भी हमें अप्रिशिएट करते। अगर हम हमसायों की तरफ आ जाए ना, ठीक है, तो सबसे अफजल तरीन रिश्ता है हमसाया। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है। आपके रिश्तेदार बाद में आते हैं, पहले आपके हमसाये आते हैं। तो आप कहते हैं कि हमें हमसायों की तारीफ नहीं करनी चाहिए? खैर अच्छा बात नहीं है, बात ये है कि हर चीज को जब गलत नोटिस हम करेंगे ना, हम बिल्कुल मसल के हमसायों ने हमारे साथ अच्छाई कौन सी की ये भी बताएं। हाँ जी, कौन सी अच्छाई की? ये सर आता है, वो पानी छोड़ देते हैं, पानी छोड़। अच्छा, वो पानी ना छोड़े और अपने उधर सैलाब ले आए, अपने उधर फ्लड ले आए, ऐसी कोई बात नहीं, अपने सैलाब नहीं। उन्होंने हमेशा हमारे साथ जो भी है ना, पहला कदम उन्होंने ये पिछले दिन जो हेलीकॉप्टर वो उन्होंने हमला किया, ठीक है। बाद में कहते ये तो हमारा बंदा ही नहीं है, हमने उनसे अच्छा नहीं किया, उन्होंने दे दिया उनका बंदा वापस, एक बंदा वापस कर दिया। 93,000 फौजी हमारे सरेंडर हुए थे जो कि वापस आए, और वो तो जंग के दौरान हुए थे। ये तो फिर जोन सा है वो, एक मतलब एक सेकंड बात सुनिएगा, हम लोग अभी क्या अजीबो गरीब बातें करें। मैं कल ही आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें मैं बात सुन के ना काफी देर के लिए हैरान हुआ। लोगों ने तो मजाक बनाया, लोग तो खुश हुए उस चीज को देख के, लेकिन बात जैनमन थी। अभी देखिए, चांद के ऊपर लाइट है नहीं है, नहीं है। आपकी जमीन पे भी लाइट नहीं है, चांद पे गैस है नहीं है, हमारे इधर गैस भी नहीं है, चांद पे पानी है नहीं है, हमारे इधर भी नहीं है। तो हमारा तो अभी भी चांद वाला ही सिलसिला है कि जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई चीज नहीं है, सिर्फ मट्टी है, रेत है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना खाने को है, ना पीने को है। तो वो हम भी अभी भी चांद पे रह रहे हैं हम लोग तो यार। आज भी देखे ये बात, पहले भी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है। एक पाकिस्तानी सिटीजन है जिन्होंने ये बात की थी, हैदर नाम के, और हमने उनका इंटरव्यू भी लिया, काफी वायरल है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात के पीछे सोचने की जरूरत है कि भाई पाकिस्तान में कौन कौन सी फैसिलिटीज है। और अफसोस ये है कि आज भी अगर यही सोच रखे कि भाई वो दुश्मन है वो ये। सर एक सेकंड में आपकी बात का जवाब देता हूँ, आप बात सुनिएगा भाई। क्या क्या वॉशरूम तक नहीं है औरतों के लिए,
वहाँ पे। सर यही बताना चाह रहे हैं आप, हाँ। बहुत इज्जत, हर औरत को इज्जत है, हर चीज है, उनकी तो औरतें पता नहीं दूर की यूनिवर्सिटी में ना, रिसेंटली हमारे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, उधर के जो बड़े लोग थे, कोई प्रोफेसर थे या उनके सिक्योरिटी इंचार्ज थे, 6,000 लड़की की गंदी वीडियो उनके मोबाइल से मिली है, यूनिवर्सिटी की लड़कियों की। ये पूरी दुनिया में गंद होता है, ये खाली पाकिस्तान में नहीं है, चांद पे चलेंगे उनके पास तो वॉशरूम नहीं अभी तक तैयार हो रहे हो। ये पुराने दौर की बातें करो, जदीद टेक्नोलॉजी में आओ, अभी मीडिया सर्च करो आपको नजर आ जाएगा, वो बहुत डेवलप कर चुके हुए हैं सर, आप मानिए बात को, वो लोग पढ़े लिखे हैं, उन्होंने मेहनत की है, वो लोग आगे जा चुके हुए हैं, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी आगे निकले, हम ये थोड़ी चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे ना जाए। दोनों भाई हैं, हम आपस में उनकी खातिर क्यों इतने जज्बाती हो रहे हैं? आराम से आया चांद पे पहुंचा है, आप मिठाई खाने से मना कर रहे हो यार, इसी से दुख हुआ है और कोई नहीं। मिठाई तो उन्होंने खाई चाहिए था, मिठाई मिठाई उन्होंने खाई। मेरी बात सुने, आपने आपने ये बोला कि भाई हम दोनों एक मिनट, पहले आप मेरे हाथ से मिठाई खाएं और इस चीज की मुबारकबाद दें, हमारा साया चांद पे पहुंचा, ये अच्छी बात होती है। चले अच्छा, अब आपने बात की कि आप दोनों मुस्लिम हैं और आप उनके लिए क्यों लड़ रहे हैं। भाई पहले नंबर पे तो ये लड़ाई नहीं हो रही, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे मुसलमान की अगर बात करें ना, तो हमारे से ज्यादा वहाँ पे मुसलमान है। ये मुसलमान ये कंसेप्ट निकाल के इंसानियत की बात करें, एजुकेशन की बात करें, भाई तभी हम आगे जा पाएंगे। हमारे मुल्क के जो हुक्मरान सबसे मेन चीज तो उन्होंने हमें ना एक बैंस बकरी समझा हुआ, ठीक हो गया, तो वो हमारी गलती है, हमारे पॉलिटिशियन की गलती है ना। देखे जी, जो भी सर उठाता है उसका सर कुचल देते हैं, ऐसे ही है, ठीक है। अब हमारी गुर्बत ऐसी है, ऐसे ऐसे बच्चे हमारे घर से रोजगार के लिए निकले हुए हैं। बिल्कुल, ये बच्चे रोजगारी के लिए निकले हुए हैं और आप फिर कहें कि वहाँ पे वॉशरूम नहीं है, तो हैरत होती है। थोड़ा स्टडी करें, वो दुनिया की पांचवी बड़ी कंट्री है। जब भाईजान एटम बम बनाया गया था ना, इंडिया ने एटम बम बनाया था, तो हमारे भुट्टो साहब जो वजीर आजम थे, उन्होंने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम जो है ना एटम बम बनाएंगे इंडिया के मुकाबले में। आज इंडिया चांद पे चला गया, अब क्यों नहीं ऐलान कर रहे हो? अब भी ऐलान करो कि भाई हम घास खा लेंगे लेकिन टेक्नोलॉजी बनाएंगे और हम चांद पे जाएंगे, और ऐसी तरक्की रखने के बारे में सोचो। शायद मेन मकसद भी यही है कि भाई हमने भी पाकिस्तान ने भी मून पे जाना है, हमने भी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करना है। हमें क्यों नहीं इन चीजों के बारे में बताया जाता, क्यों नहीं बताया जाता कि नेबर कहाँ चला गया और हम आज कहाँ पे हैं? ये बच्चों को टेक्नोलॉजी की जरूरत है। और आप आज भी अगर इस तरीके से सर ये बात जो हो रही है आप सुन बैठा करें, हमारे हमसाए चांद पे किस वजह से मैं क्यों करूं? अच्छा नहीं खाएंगे आप? मैं क्यों खाऊं भाई? ये कौन सी खुशी वाली बात है? अच्छा आज हम 70-75 साल पहले भी यहाँ पे थे, आज भी वहाँ पे ही हैं। नहीं तो वो तो अपने हमसाये की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। तो क्या करें, हम क्या करें? नहीं इसके हमें को खुशी होगी। आपको लगता है कि ये सिर्फ इंडिया का फायदा है जो वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं? नहीं देखिए, हमें क्या मिल रहा है? समझते नहीं है। अच्छा ये बताएं जी, इंडिया का फायदा है, अच्छा सवाल है उनका। सर मैं आपको एक अर्ज बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल की टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं, वो हमने नहीं बनाया, पाकिस्तान ने मोबाइल नहीं बनाया, जिसने बनाया वो टेक्नोलॉजी लेके आया, पूरी दुनिया मोबाइल यूज करती है। आपका दोस्त कोई इंग्लैंड में बैठा हो तो इधर बैठ के आप बात करते हो, हेलो भाई कैसी तबीयत है आपकी, है। तो जब अगर आपका हमसाया टेक्नोलॉजी लेके आता है, चांद पे जाता है, तो पूरी दुनिया का फायदा है उसका। वजीर आजम ने ऐलान किया कि इंसानियत का जो है ना ये सारा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मोबाइल बना, इंटरनेट सर्विस आई, लैपटॉप बना, ये जिन्होंने बनाया उन्हीं का फायदा, पाकिस्तान का क्या फायदा? तो फिर आप मैं तो असल में ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान में रिफॉर्म्स क्यों नहीं आ रहे? यही तो हम कह रहे हैं, ये पाकिस्तान ने क्यों नहीं किया? तो यही तो हम रो रहे हैं। तो बात ये है, मैं तो ये कह रहा हूँ 75 साल में जहाँ पे हम पहले खड़े थे, आज भी वहाँ पे ही हैं। क्या बेहतरी आई है? तीन चीजों पे हमें जो है ना वो फोकस किया जा रहा, सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान, इसी आगे की सोच ही नहीं है। ईमानदार से बताइएगा वो पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा। किसका हो रहा है? पूरा हो रहा है, किसी का भी नहीं हो रहा। साल 76 साल 77 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए पाकिस्तान को बने हुए, दुनिया में सबसे ज्यादा इमदाद पाकिस्तान में आई, कभी सलाब के तरीके से, कभी सलाब और कभी जलजले, कभी जंग के, मतलब इतना पैसा, इतना डॉलर पाकिस्तान में आया कि कई पाकिस्तान नहीं बन सकते थे। हम एक पाकिस्तान को नहीं सुधार सके, हमें उसके ऊपर काम करना है कि हमने पाकिस्तान को सुधारना है। इधर के जो चोर डकैत जिन्होंने हमें लूटा है, जो हमारे बच्चों को टेक्नोलॉजी नहीं दे सके, हमारे बच्चों को पढ़ा नहीं सके, हमने उसके बारे में बात करनी है। अगर हमारा हमसाया चांद पे जाता है तो हमें सर अप्रिशिएट करना चाहिए, करना चाहिए अप्रिशिएट या नहीं करना चाहिए? सर देखिए, अप्रिसिएशन की बात जो है ना, मैं तो ये कहूँगा, मेरा जो मुतालबा है ना आपकी गवर्नमेंट से है, सबसे है,
जो यहाँ पे तकरीबन 40-40 साल से हुकूमत कर रहे हैं, ऐसे ही है। उनसे ये है कि हमें क्या रिफॉर्म्स मिल रही हैं यहाँ पे। वो भी यही कह रहे हैं ना कि भाई आवाज उठानी चाहिए कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। इवन अफगानिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, वो हमारे से बेहतर मलेशिया की देख ले, मलेशिया की करेंसी हमसे बेहतर है। बाद में करेंगे, बांग्लादेश हमारे बीच में से अलग हुआ सर, हमारे टूटे हुए तो अलग हुआ। वो देखें टेक्नोलॉजी में, पढ़ाई में, डॉलर में, फैक्ट्री में, हर चीज में हम लोगों से आगे निकल गए। एक और चीज भाई बताएं, इंडिया में कुछ गलत होता है लेट्स सपोज, तो पाकिस्तान का मेनस्ट्रीम मीडिया पे खबर से खबर आती है, ये हो गया, वो हो गया, वॉशरूम नहीं है, वो नहीं है। अगर वो टेक्नोलॉजी में कामयाबी हासिल करते हैं तो वो हम क्यों छुपाते हैं कि भाई उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की। उसकी वजह ये है, हम वो नहीं कर रहे ना। हाँ, तो ये बात है ना, इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे हम अपनी बातें छुपा रहे हैं कि उनकी बात अगर बताएंगे तो वो बात हमसे पूछेंगे भाई आपने क्या किया, क्या किया। यही बात है, पोल खुल जाएगा, लाइव दिखाना चाहिए था। कल लैंडिंग हुई है मून के ऊपर, वैसे नहीं कह रही, ये लाइव दिखाना चाहिए था पाकिस्तान के मेनस्ट्रीम मीडिया पे, ताकि बच्चों को पता चलता कि भाई टेक्नोलॉजी में वो कहां चले गए। और अगर बच्चे गाइस ये जो बात करी ना ये टेक्नोलॉजी वाली की, अगर किसी और कंट्री ने फोन का आविष्कार किया है या वाईफाई का, तो आज बैठे बैठे हम घर में यूज कर रहे, तो हमें अप्रिशिएट, हम यूज कर रहे तो मतलब हम फायदा ही उठा रहे, हम अप्रिशिएट ही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यूज करके भी अप्रिशिएट ही कर रहे हो। क्या अच्छा एक चीज बताओ, मैं नॉन इलेक्ट्रिसिटी भी ऐसा तो नहीं पाकिस्तान ने ही बनाई है, वो भी कभी किसी और ने मतलब शुरू बनाई। अगर ये सोचने लगे रहे हमें क्या करना है, वो तो उसी ने बनाया। मान लो आज आप कोई चीज कोई मान लो टी शर्ट विशर्ट अगर पाकिस्तान में बन रही है कोई, तो उसको मान लो किसी और कंट्री ने आविष्कार किया था कि इस तरह प्रिंटिंग होती है, इस तरह टेक्सटाइल काम होता है, तो आज वो कर रहे हैं, तो मतलब कहीं से एक वो बॉर्न नहीं हुई ना एक जगह से वो चीज। तो वैसे ही आज चांद पे गए, बहुत चीजें पता लगी। मेरे यहाँ पे जो हाउस हेल्प है उनके 3 बच्चे हैं, तो 2 जो है ना वो 6th में है, 5th या 6th में है। तो मैंने अगले दिन पूछा सीमा दी से, उन्होंने मेरे से खुद पूछा, कह रही दीदी मेरे बच्चों ने पूरा देखा है वो टीवी पे कि, और उन्हें इतना हुआ रहा था, अच्छा मम्मी मतलब बच्चों का क्या है, अब ये देखो वो काम करती है घर पे हमारे, ठीक है, लेकिन उनके बच्चों को मतलब उन्हें वो पता है कि एक्साइटमेंट है, और ये था बच्चों को कि मम्मी आज हमारा ट्यूशन का टाइम, ये नहीं ये कर देना क्योंकि लाइव हमें वो देखना है, वो होता है जिज्ञासा होती है जानने की। के बच्चे हैं तो उन्होंने कह रही दीदी हमें तो पता भी नहीं, इतने मतलब बच्चों ने इतने सवाल पूछ डाले, अच्छा मम्मी चांद पे भी जा सकते हैं, अच्छा मम्मी ऐसे भी जा सकते हैं, अच्छा ऐसे भी, और अभी वो रोबोटिक गए, अच्छा मम्मी बाद में कोई मतलब इंसान भी जा सकते हैं। तो ये बच्चों की जिज्ञासा है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से कि हमें सिखाया जाता है कि टेक्नोलॉजिकली आपको एडवांस होना पड़ेगा, माइंडसेट रखना पड़ेगा। सिक्स का बच्चा इतने क्वेश्चन कर रहा है इस चीज को लेके, जिस बच्चे को कहते हैं ना कि क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करोगे तभी आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। बच्चों कहीं ना ऐसे फिर पता क्या होता है, फिर इनके बच्चे, इनका जो यूथ है ना वो कुएं के मेंढक बन जाते हैं। भारत में तो वॉशरूम अभी वो कितने साल पुराने, वो पुरानी एक मुझे लगता है आधे से ज्यादा पाकिस्तानी लोगों का ना माइंडसेट कहां अटका हुआ है कि कश्मीर में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, भारत में मुसलमान जुल्म हो रहा है, क्योंकि टॉयलेट नहीं है, क्योंकि वहां पे पता है क्या, जो जैसे जो थोड़े एज लोग है वो न्यूज देखते होंगे, यूट्यूब कम चलाते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। देखो अगर जो सो कॉल्ड गंदगी एग्जांपल जो लोग कहते हैं, अगर आपको वो देखनी है आपको वो भी नेट पे मिल जाएगी, आपको नॉलेज चाहिए नॉलेज भी मिल जाएगी, तो आपका माइंडसेट होता है आपको क्या देखना है। कोई भी आपके टीवी में अगर आप क्रिकेट का मैच देख रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि अपने आप ही टीवी कह देगा नहीं भैया आज तू आस्था देख ले, आज तू न्यूज देख ले, आपके हाथ में आपके ऊपर होता है। अभी बताओ उसी यूट्यूब पे इसकी लाइव स्ट्रीम भी हुई थी लैंडिंग की, उसकी बात नहीं, वो कह रहा है ये कर रखा है वो कर रखा है, अरे तुम्हें देखना हुआ है तो इसलिए वो तुम देख रहे हो, माइंड तुम्हारा वहीं पे है। आप ही के एग्जाम्पल आप ही के हाथ है, इनसे आप या तो किसी को रैप्टा मार दो या किसी को नमस्ते कर दो, आप ही हाथ में है ना, बुराई तो हर जगह हो सकती है, लेकिन हाथ से गला भी दबा सकते हो, दो हाथ से नमस्ते भी कर सकते। वही वाली बात है, सोच सोच की बात होती है। एंड बहुत अच्छा लगता है मुझे जब शोएब भाई ऐसे निकलते हैं, और लोगों का एक होता है ब्रेन वॉश करना, एक होता है माइंड सेट सही करने वाली बात होती है, तो ये चीज है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लगता है मुझे। लेकिन मुझे लगता है चाहे 2 लोग भी वो समझेंगे ना तो 2 से 4 समझेंगे आगे जाके। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इसमें जरूर बताना, एंड वंस अगेन जय हिंद जय भारत जरूर लिख देना। बाय बाय, टेक केयर।